हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक विद क्रीम चीज। चलिए तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम रेड वेलवेट केक के लिए बेस बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स लिया है। ये प्रीमिक्स होममेड है। ये प्रीमिक्स आप इजी घर पे बना सकते हो। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ग्राम्स में ये प्रीमिक्स मैंने लिया है 330 ग्राम और 240 ml के कप से ये है 2 कप प्लस 1/4 कप। और पानी मैंने लिया है 240 ml के कप से 1 कप। इस प्रीमिक्स में अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है हैंड विस्कर से। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी मिक्स कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस बैटर में हमें ऐड करना है 4 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे ये मैंने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। ऑयल हमें कौन से भी फ्लेवर या स्मेल वाला नहीं यूज़ करना है। ऑयल डालने के बाद इस बैटर को अब अच्छे से हमें फिर से मिक्स करना है। अब 2 मिनट इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमारा केक का बैटर अब रेडी है। केक के लिए हमारा परफेक्ट बैटर रेडी है। हमें ऐसा ही रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। इस केक को मैं हार्ट शेप के टिन में बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने 6 इंच का टिन लिया है। मैंने ये जो बैटर रेडी किया है उससे 1/2 केजी का स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। ये बैटर 7 इंच और 8 इंच के टिन में एकदम परफेक्ट आएगा। मेरे पास अभी 6 इंच का टिन अवेलेबल है तो मैं उसमें इसे बेक कर रही हूँ। आप जिस भी टिन में केक का बैटर डालोगे वो बैटर उस टिन में 1/2 बैठना चाहिए, मतलब आपका टिन एकदम परफेक्ट है। अब इस टिन को अच्छे से टैप करना है। इस केक को आप गैस पे भी बेक कर सकते हो। केक को गैस पे, माइक्रोवेव में, ओटीजी में कैसे बेक करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अब इस केक को मैं प्रीहीटेड ओटीजी में 30-35 मिनट बेक करती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ। अब परफेक्ट 30 मिनट हो गए हैं। इस केक को मैं टूथपिक डाल के चेक करके देखती हूँ। टूथपिक क्लीन निकल आया है, मतलब ये हमारा केक परफेक्ट बेक होके रेडी है। ओटीजी से बाहर निकालने के बाद इस केक को मैंने 10-15 मिनट टिन में ही ठंडा किया था। अब इसे मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। अगर कभी भी केक को ऊपर से थोड़ा सा क्रैक आता है तो कोई बात नहीं, उसका मतलब है हमारा केक एकदम मस्त बेक हो गया है। ये केक स्पॉन्ज मैंने होममेड केक प्रीमिक्स से बनाया है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, इसे कितना मस्त टेक्सचर आया है। इस केक स्पॉन्ज पे अब हम आइसिंग करेंगे। इस केक स्पॉन्ज को मैं 3 लेयर में कट करने वाली हूँ। फर्स्ट मैं इसके ऊपर जो छोटा सा डोम आया है उसे लेवल कर रही हूँ। इस डोम को मैंने कट कर लिया है। आप देखिए इस केक में कितना मस्त जाली आया है। अब इस केक स्पॉन्ज को मैं इवनली 3 लेयर में कट कर रही हूँ। ये काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। ये हमारा फर्स्ट लेयर कट हो गया है। देखिए इस केक में कितना मस्त जाली आया है। अब हम इसका सेकेंड लेयर कट करेंगे। इस तरह ये सेकेंड लेयर भी फिनिशिंग के साथ कट हो गया है। इस रेड वेलवेट केक में मैं यूज करने वाली हूँ रिच गोल्ड व्हिपिंग क्रीम। हम जो रेगुलर केक में यूज करते हैं ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम या कौन सा भी व्हिपिंग क्रीम, उससे ये थोड़ा सा रिच है टेस्ट में। अगर आप चीज केक बना रहे हो या फिर किसी भी केक के फिलिंग में चीज का यूज कर रहे हो तभी आप ये रिच गोल्ड व्हिपिंग क्रीम यूज कीजिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बाकी के व्हिपिंग क्रीम से। ये व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी महंगी है। ये मेरे पास 1/2 केजी का बॉक्स है। इसका प्राइस है 140 रुपीस। इस केक के लिए ये पूरा बॉक्स मैं यूज करने वाली हूँ। हम रेड वेलवेट केक के लिए फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये क्रीम चीज लिया है। ये डीलेक्टा कंपनी का है। यहाँ पे ये मैंने टोटल 3 टेबल स्पून क्रीम चीज लिया है। आपको अगर ज्यादा क्रीम चीज पसंद है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 2-3 टेबलस्पून पाउडर शुगर। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर और थोड़ा पाउडर शुगर ऐड कर सकते हो। अब क्रीम चीज़ और पाउडर शुगर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे हम 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने जो आपको दिखाई है रिच गोल्ड व्हिपिंग क्रीम, वो फेट के रेडी करके ली है। व्हिपिंग क्रीम को प्रॉपर कैसे फेटना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब एक दूसरे बाउल में केक के फिलिंग के लिए मुझे जितनी व्हिपिंग क्रीम चाहिए उतनी मैंने ये साइड में ले ली है।
अब इस फेटी हुई व्हीप क्रीम में हमें ऐड करना है क्रीम चीज और पाउडर शुगर का जो हमने फेट के बैटर रेडी करके रखा था वो। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें डालना है 2 से 3 ड्रॉप वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस डालने के बाद फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमारा रेड वेलवेट केक के लिए क्रीम चीज फिलिंग रेडी है। अब यहाँ पे ये मैंने एक केक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया है। अब इसके ऊपर सबसे जो केक का ऊपर का पार्ट था उसे मैंने रख दिया है। अब हमें इसे सिंपल वाटर से या शुगर सिरप से सोक करना है। अब इसके ऊपर हमें हमने जो क्रीम चीज का फिलिंग रेडी किया था वो डालना है और पैलेट नाइफ से हमें इसे अच्छे से इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर रखना है सेकेंड लेयर, जो केक का मिडल का लेयर था उसे मैंने मिडल में ही रख दिया है। इसे भी हमें अच्छे से सोक करना है। इसके ऊपर भी हमें हमने जो क्रीम चीज का फिलिंग रेडी किया था वो डालना है। इसे भी हमें अच्छे से इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर रखना है हमें सबसे लास्ट लेयर, मतलब केक का जो सबसे लास्ट वाला लेयर था उसे मैंने फर्स्ट में रखा है। इसका हमें हल्के आंच से बटर पेपर निकालना है। इसे भी हम थोड़ा सा सोक करेंगे। अब केक के साइड का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें पैलेट नाइफ से लेवल करना है। अब इस केक को हम व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने ये व्हिप क्रीम डाल दिया है। अब पैलेट नाइफ से हमें इस क्रीम को अच्छे से इस केक के ऊपर स्प्रेड करना है। केक के साइड में भी हमें क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है। इस केक के ऊपर मैंने क्रीम का एक पतला लेयर लगाया है। अब इस केक को मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ और बाद में इसके ऊपर फाइनल आइसिंग करूँगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, इस केक को मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। इस केक के ऊपर मैंने ये क्रीम डाल दिया है। क्रीम को हमें अच्छे से पैलेट नाइफ से इस केक के ऊपर स्प्रेड करना है। केक के साइड में भी जहाँ भी हमें गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्रीम लगा के वो गैप्स फिल करने हैं। पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और टर्निंग टेबल को हमें पैलेट नाइफ की तरफ टर्न करना है। अब स्क्रैपर की मदद से केक के साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। क्रीम को फिनिशिंग देते समय स्क्रैपर को हमें थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है। अब केक के ऊपर का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ पुश करते हुए हमें इसे भी अच्छे से फिनिशिंग देना है। इस केक को हम डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने केक के ऊपर का जो डोम कट किया था उसका क्रम्स बना के रेडी करूँगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल के ऊपर मैंने एक छलनी रखा है। अब इसे हमें इस छलनी से छानना है। आप इसे हाथ से भी कर सकते हो या फिर ऐसे स्पैचुला का यूज़ भी कर सकते हो। केक के क्रम्स को अच्छे से छलनी से छानने के बाद आप देख सकते हो बाउल में ऐसे फाइन इसका पाउडर टाइप क्रम्स आ गया है। अब हम केक को डेकोरेट करने के लिए आर्टिफिशियल ड्रिपिंग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये लिया है न्यूट्रल जेल, इसे ग्लेज जेल भी बोला जाता है। आपका केक कितना बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से आपको ये ड्रिपिंग रेडी करना है। यहाँ पे मैं ये 2 चम्मच ले रही हूँ, लगभग ये 2 टेबलस्पून इतना है। मेरे पास ये जो न्यूट्रल जेल है ये थोड़ा ठीक है, मुझे ये फ्लोई कंसिस्टेंसी का चाहिए, तो उसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करना है और फ्लोई कंसिस्टेंसी का बनाना है। न्यूट्रल जेल हमें ऐसा फ्लोई कंसिस्टेंसी का चाहिए। ये अब रेडी है। इसके अंदर अब मैं मैजिक का जेल रेड कलर ऐड कर रही हूँ, 2 ड्रॉप। 2 ड्रॉप डालने के बाद आपको अगर ये कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो आप इसके अंदर और एक से दो ड्रॉप डाल सकते हो। कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमारा आर्टिफिशियल ड्रिपिंग रेडी है। इस तरह आप कौन से भी केक के लिए न्यूट्रल जेल के अंदर आपको जो कलर चाहिए वो ऐड करके ऐसे ड्रिपिंग रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर मैंने जो ये न्यूट्रल जेल का ड्रिपिंग बनाया है वो डाल रही हूँ। इस पाइपिंग बैग को मैंने आगे से थोड़ा सा एकदम छोटा सा कट लगाया है। अब हमें इसे केक के साइड में ऐसे ड्रिप करना है। इस तरह केक के पूरे हार्ट शेप में मैंने ये ड्रिपिंग डाल दिया है। केक के एक साइड में मैंने जो क्रम्स बनाए हैं केक के वो डालने हैं, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक मार्क लगाया है। अब केक के एक साइड में मैंने जो क्रम्स बनाए हैं वो मैं डाल रही हूँ।
केक के साइड में मुझे बॉर्डर करना है तो उतनी जगह मैं छोड़ूंगी। अगर हम ये क्रम्स डालेंगे और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे तो वो डिज़ाइन चिपकेगा नहीं आएगा। ये क्रम्स डालने के बाद केक में थोड़ा सा वेलवेट जैसा टेक्सचर आता है। अब केक को और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हम रोज़ फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए हमें रोज नेल के ऊपर ऐसे बेस बनाना है एकदम सिंपल सा। यहाँ पे ये मैं R11 नंबर का नोजल यूज़ कर रही हूँ। इसका थिन वाला पार्ट ऊपर की साइड में रखना है और ब्रॉड वाला पार्ट हमें नीचे के साइड में रखना है। जो हमने बेस बनाया है उसके ऊपर हमें उल्टा सी निकालना है और जो सी निकाला है उसके मिडल से हमें दूसरा सी स्टार्ट करना है। इस तरह ये पेटल्स बनाते हुए ये फ्लावर हमें कंप्लीट करना है। ये मेरा फ्लावर अब रेडी हो गया है। इस फ्लावर को मैं इतना ही रखूंगी। रेडी फ्लावर को केक के ऊपर रखने से पहले केक के ऊपर हमें क्रीम से छोटा सा बेस बनाना है। बाद में हमें सीजर से या फोक की मदद से फ्लावर को हल्के हाथ से उठा के केक के ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ पे मैंने और एक व्हाइट रोज बना के केक के ऊपर रख दिया है। अब मैं रेड रोजेस बनाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने मैजिक का रेड जेल कलर क्रीम के अंदर डाल दिया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये क्रीम अब रेडी है। इसे हमें पाइपिंग बैग के अंदर फिल करना है। क्रीम को पाइपिंग बैग के अंदर डालने से पहले वही रेड जेल कलर मैं पाइपिंग बैग के अंदर भी डाल रही हूँ। इसे हमें ऐसे हाथ से स्प्रेड करना है और अब इस पाइपिंग बैग के अंदर हमें जो रेडी क्रीम है वो फिल करना है। आप ये सारा प्रोसीजर करोगे तो आपके फ्लावर में अच्छा डार्क रेड कलर आएगा। नहीं तो आप पूरा बॉटल भी उस क्रीम के अंदर डालोगे तो रेड कलर नहीं आएगा। और अब जैसे हमने व्हाइट फ्लावर बनाया था उसी तरीके से हम ये रेड रोज भी बना के रेडी करेंगे। हमें जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उतने हमें ये पेटल्स बनाते जाना है। अब ये हमारा ब्यूटीफुल सा रेड फ्लावर भी रेडी है केक के ऊपर रखने के लिए। इसे भी हमें हल्के हाथ से उठाना है। पहले हमें केक के ऊपर छोटा सा बेस बनाना है, फिर इस फ्लावर को हल्के हाथ से उठा के इस केक के ऊपर रखना है। यहाँ पे मैंने और एक रेड रोज बना के इस केक के ऊपर रख दिया है। अब इन फ्लावर्स के ऊपर थोड़ा सा शाइन लाने के लिए इनके ऊपर मैं ये सिल्वर कलर डस्ट करने वाली हूँ। इस बॉटल को हमें इस तरीके से हाथ में पकड़ना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है और इन फ्लावर के ऊपर इस तरीके से डस्ट करना है। देखिए सिल्वर कलर डस्ट करने के बाद इन फ्लावर्स में कितना मस्त शाइन आया है। अब पाइपिंग बैग के अंदर ये झिकझैक टाइप का डिज़ाइन का जो मेरे पास नोजल है वो मैंने डाला हुआ है। मेरे पास जो ये नोजल है इसका नंबर है 55026। इस नोजल का यूज़ करके अब मैं इस केक के ऊपर बॉर्डर बनाऊंगी। पाइपिंग बैग को स्ट्रेट पकड़ना है, थोड़ा सा पुश करना है और पाइपिंग बैग को उठाना है तो ये मोदक जैसा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। इसी सेम नोजल से मैं केक के नीचे के साइड में भी बॉर्डर बनाऊंगी। पाइपिंग बैग को हमें थोड़ा सा क्रॉस पकड़ना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और ऐसे पीछे खींचना है तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब जो व्हाइट रोजेस है उनके साइड में मुझे थोड़ी सी जगह खाली दिख रही थी, वहाँ पे मैं एक रेड रोज बना के रख रही हूँ। अब मेरे पास ये थोड़े से एडेबल मोतीज है, इनको भी मैं इस फ्लावर के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोरेट करने के लिए रख देती हूँ। अब ये हमारा केक रेडी है। इसे मैं एक लास्ट फिनिशिंग टच दे रही हूँ ये केक टॉपर लगा के। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये हमारा रेड वेलवेट केक विथ क्रीम चीज रेडी है। फ्रेंड्स ये केक दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, इसे काटने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आपको इसका एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। देखिए इस केक का लेयरिंग, इसे मैंने अभी तक फ्रिज में सेट भी नहीं किया है अच्छे से, फिर भी इसका आप लेयर देख सकते हो कितना मस्त लेयर आया है और कितना सुपर मॉइस्ट और यम्मी केक बना है। टेस्ट में भी ये बहुत डिलीशियस लगता है। फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही अलग अलग केक के डिज़ाइंस और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।